हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एम्पलीफायर जो कि एडवांस्ड ऑडियो का है। इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाएगा, जैसे ये ऊजा का आता है एस एस 250 वाट, वैसे देखिए एस एस 300 डीपी। इसमें आपको एक यहाँ पे पावर प्लग का पावर का बटन मिल जाएगा, आउटपुट लेवल का इंडिकेटर, और इसमें आपको एक ज़बरदस्त USB प्लेयर, इसमें आप MSC SD डिजिटल MP3, ब्लूटूथ SD कार्ड, TF कार्ड, ऑक्स और USB आप इसमें लगा सकते हैं। रिपीट इसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको एक मास्टर वॉल्यूम मिल जाएगा, ये आपको बेस ट्रबल के लिए और ये आपको बेस के लिए, और ये आपको स्विच, यहाँ पे आप बॉक्स चला सकते हैं स्पीकर बॉक्स, और जिसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइवर यूनिट यानी कि यूनिट वाल्टी वगैरह वो सब कुछ आप इस पे चला सकते हैं। ये इसका माइक 1 है, माइक 5, माइक 4, माइक 3, 2, 1, इस पे आप माइक लगा सकते हैं, 6 माइक इसमें आप लगा सकते हैं। और उसके बाद में ये आ गया माइक का वॉल्यूम, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पुश बटन इधर करेंगे तो माइक 6 नंबर चलेगा, और इधर करेंगे तो आपका USB चलेगा। और ये आ गया इसका ऑक्स, इधर पे ऑक्स 2 चलेगा, इस पे माइक, और इधर पे ऑक्स 1 और माइक। अगर ये ऑक्स वाला पीछे इसका है तो मैं आपको बता दूंगा, ये 3 नंबर माइक वाला वॉल्यूम, ये 2 नंबर माइक वाला, और ये 1 नंबर इसका माइक वाला। फुल जो इसकी मेटल बॉडी है, और इसमें हैंडल जो दिए गए हैं वो रबड़ के हैं, इसमें कट दिए गए हैं ताकि इसको पकड़ने में अच्छी ग्रिप बने, और इस पर ज़बरदस्त मॉडलिंग की गई है, नीचे इसका दिया गया है, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग जो वो दी गई है। दोस्तों ये आपको यहाँ पे एक रीसेट स्विच मिल जाएगा, अगर आप इसको ओवरलोड होता है तो रीसेट कर सकते हैं। ये इस पर ऑन इंडिकेटर है, और ऊपर से कुछ ऐसा ये जो दिखता है, ये एक माउस पैड वाला एम्पलीफायर है, जैसे पहले ऊजा में ट्रांजिस्टर वगैरह आते थे वो इसमें अब नहीं आते। और इस पर अच्छे इसको ऊपर से नट वगैरह दिए गए हैं, पीछे आ जाइए इसको फ्यूज़ वगैरह आपको मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर इसका फ्यूज़ दिया गया है जो कि 5 पेयर का है, और ये FM एंटीना, इसमें आप FM भी चला सकते हैं, और इसका वायर 224 वोल्ट 60 से लेकर 50 हर्ट्ज तक, और ये इसका जो बैटरी पे चलेगा 24 वोल्ट पे DC पे, और इस पर आप ट्रांसफार्म वाली यूनिट लगा सकते हैं, इसमें 70 वाट, 100 वाट, और ये इस पर कुछ ब्रांडिंग दी गई है शॉक्स वगैरह की, और यहाँ पे आप बॉक्स लगा सकते हैं, ये 4 ओम, और ये यहाँ पे 8 ओम, और ये इसका जो अर्थिंग वाला पॉइंट है वो दिया गया है, और ये लाइन आउट के लिए, यानी आप कोई से पेन ड्राइव अगर चलाते हैं और मिक्सर में या एम्पलीफायर में देना है तो यहाँ से आप आउटपुट जो इसकी हटवा सकते हैं, और ये इसका लाइन इन है, ये आपको सीधा चलेगा लाइन इन, मास्टर वाले वॉल्यूम से कंट्रोल होगा, और ये इसका प्री आउट, जैसे ये वाला, जैसे ये सीधा सीधे आउटपुट चलेगा, जितना आएगा उतना ही आगे आउटपुट आपका जो मिलेगा, ये ऑक्स 1 जैसे मैंने आपको ये आगे बताया था माइक वाले पे, और ये इसका ऑक्स 2, और ये 4 इस पर नीचे अगर आप पेटी वगैरह में डालते हो तो इसके 4 हैंडल्स ये नीचे वाले गार्ड्स दिए गए हैं। और एक बात बता दूँ दोस्तों, ये फुल कॉपर एम्पलीफायर है, और इसकी कॉस्ट अगर आप जानोगे तो ये आपको 7 से 8 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। ये देखिए नीचे से कुछ ऐसा दिया गया है, और बहुत ही अच्छा जो इसका ब्रांडिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, अगर आप कम बजट में ये एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। इस पर आप 2 बॉक्स 12 इंची के आसानी से चला सकते हैं, 125 वोल्ट के स्पीकर वाले, बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर किसी किराए वगैरह देना हो तो वो भी आप इसको देख के चला सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।